जय हिंद जय सर। चलो तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा दूध दोहन की विधियां। दूध दोहन जो है एक आर्ट होता है और इसके लिए जो है एक कुशल श्रमिक की आवश्यकता लगती है, लेकिन इस कार्य को करने का एक सबसे प्रमुख जो उद्देश्य होता है वो होता है स्वच्छ दूध। हम दूध दोहन की उस विधि को सबसे ज्यादा अच्छा मानेंगे जो कम समय में दूध निकाले। सबसे पहला पर्पस क्या होना चाहिए, कम समय में दूध निकालना चाहिए। दूसरा स्वच्छ दूध उत्पादन होना चाहिए। और तीसरा उस मेथड का गाय के आर्डर पर या गाय के टीथ पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये तीन पर्पस की अगर कोई मेथड पूर्ति करती है तो वो मेथड जो होगी वो दूध दोहन की सबसे अच्छी मेथड कहलाएगी। क्या क्लियर हो गया इतना? अब दूध दोहन की जो है वो तीन मेथड होती है। दूध दोहन की इतनी विधियां, एक होती है फुल हैंड मेथड, इसको बोलते हैं पूर्ण हस्त दोहन विधि। क्या कहते हैं इसको? पूर्ण हस्त दोहन विधि। इसका एक और दूसरा नाम है, इसको फिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। फिस्टिंग का मतलब होता है मुट्ठी, मुट्ठी विधि। दूसरी विधि होती है नकलिंग, नकलिंग मेथड, इसको बोलते हैं अंगूठा विधि। क्या कहते हैं इसको? अंगूठा विधि। और तीसरा होता है चुटकी विधि, स्ट्रिपिंग। इसको हम बोलते हैं चुटकी विधि। आपको इन तीनों विधियों को डिटेल में समझना है और ये समझना है कि कौन सी मेथड अच्छी होती है और कौन सी मेथड का उपयोग हमको ज्यादा करना चाहिए या कौन सी मेथड का उपयोग कहाँ पर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रिपिंग मेथड की। हम नीचे से शुरुआत करते हैं चुटकी विधि। समझो आप, देखो आप, चुटकी का मतलब होता है ये दो उंगलियां और ये अंगूठा। दिखाई दे रहा है? अरे दिखाई दिया? ये जो दो उंगलियां दिखाई दे रही है और ये जो अंगूठा दिखाई दे रहा है, थनों को ऐसे बीच में पकड़ना है और ऐसे खींचना है, इसको बोलते हैं चुटकी विधि या इसको बोलते हैं स्ट्रिपिंग मेथड। क्या क्लियर हो गया? ये जो मेथड होती है ये उन गायों के लिए जो है वो सबसे ज्यादा अच्छी होती है जिनका फर्स्ट कॉलिंग होता है, जो पहली बार बछड़ा पैदा कर रही है। ऐसी गायें जो जिनका फर्स्ट कॉलिंग होता है उनके लिए ये मेथड जो है वो सबसे ज्यादा अच्छी होती है। ये उन गायों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है जिनके पीट जो है वो स्मॉल होते हैं, जिनके थन कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। और तीसरा, जब आपको अंतिम दूध या लास्ट मिल्क मिल्किंग करना हो, आखिरी दूध जो है वो मिल्किंग करना हो, तब जाके ये मेथड बहुत अच्छी मानी जाती है। क्या क्लियर हो गया? अच्छा, फर्स्ट काउलिंग के लिए ज्यादा अच्छी क्यों है? क्योंकि जब गाय का पहला ब्याह होता है उस समय उसके थन छोटे होते हैं, तो छोटे थन वाले अगर कोई गाय है तो उसके लिए ये मेथड जो है वो सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाएगी। दूसरा जो है लास्ट मिल्किंग। देखो, जब हम गाय से दूध निकालते हैं तो गाय से तीन टाइप के या तीन प्रकार के दूध निकलते हैं। ये हम जो 5 से 7 मिनट जो दूध निकाल रहे हैं उन दूध को हम तीन टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है फोर मिल्क, दूसरा होता है मिडिल मिल्क और तीसरा होता है स्ट्रिप मिल्क। कौन सा मिल्क? स्ट्रिप मिल्क। ये तीन प्रकार से जो है तो जो 5 से 7 मिनट में दूध निकलता है उसको हम तीन टाइप से डिवाइड करते हैं। पहला दूध जो होता है जिसको हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग की जो 4 to 5 स्ट्रिप होती है, शुरू की जो 4 से 5 धार होती है दूध की, उसको हम बोलते हैं फोर मिल्क। उसको क्या बोलते हैं? फोर मिल्क। और फिर बीच में जो निकलता है वो मिडिल मिल्क और जो लास्ट में निकलेगा वो होगा स्ट्रिप।
फोर मिल्क होता है इसमें सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होता है और फैट परसेंट जो है सबसे कम फैट होता है इसमें। ये परीक्षा में कई बार आया है कि सबसे ज्यादा बैक्टीरिया कौन से दूध में होते हैं, तो फोर मिल्क में। सबसे कम फैट परसेंट होता है तो किसमें? फोर मिल्क में। कहा जाता है कि लगभग 1% तक इसमें फैट होता है, बाकी फैट जो है वो सब नीचे वाले दूधों में पाया जाता है। क्या समझ में आ गया? ये दूसरा जो दूध होता है काफी अच्छा दूध माना जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा इसी की होती है। ये जो आखिरी दूध होता है ये इसमें जो है वो लो बैक्टीरिया मतलब नंबर ऑफ बैक्टीरिया बहुत कम होंगे और हाई फैट होगा, फैट सबसे ज्यादा होगा। मतलब ये फोर मिल्क का बिल्कुल अपोजिट होता है, कौन सा? स्ट्रिक्ट मिल्क। तो स्ट्रिक्ट मिल्क को निकालने के लिए कौन सी मेथड उपयोग में लाते हैं? स्ट्रिक्ट मिल्क। क्योंकि बिना चुटकी बनाए आप कभी भी अंतिम दूध निकाल नहीं पाते। कभी देखना कोई जो दूध निकालने वाला व्यक्ति होता है ना, वो आखिरी दूध निकालने के लिए उसको चुटकी बनानी पड़ती है और वो बहुत जरूरी होता है कि अगर आपने अंतिम दूध नहीं निकाला तो आप जो दूध मिल्क को मिल्किंग कर रहे हैं उसमें फैट परसेंट है उसका बहुत डिफरेंस आ जाएगा, आपको अच्छा दूध नहीं मिलेगा, ऐसा दूध जल्दी खराब हो जाएगा। क्योंकि जिसमें कम बैक्टीरिया थे, जिसमें फैट ज्यादा था वो आपने मिल्किंग नहीं किया, जिसमें ज्यादा बैक्टीरिया थे फैट कम था वो मिल्किंग कर लिया, तो ऐसे में उसका जो कंपोजिशन है वो गड़बड़ा जाता है। इसलिए आखिरी दूध निकालना बहुत जरूरी होता है और इसके लिए चुटकी बनाना जरूरी होता है। क्या समझ में आ गया? ये मेथड तो बहुत अच्छी मेथड नहीं है। क्या समझ में आया? इस मेथड के दो डीमेरिट्स होते हैं। पहला डीमेरिट्स ये होता है कि अगर आप इस मेथड का यूज करते हैं, अगर आप इस मेथड का यूज करेंगे तो जो टीथ होते हैं वो थीन हो जाते हैं, ये थन जो है वो लंबे हो जाते हैं। और लंबे थन वाली गाय बहुत अच्छी थोड़ी होती है, एक अपने आप थन लंबे होना वो बात अलग होती है और एक थन जो है वो स्ट्रिपिंग मेथड का यूज करके जो है वो थनों की लंबाई बढ़ाना, ठीक है ना। इसलिए जो है ये मेथड ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि इसमें जो टीथ होते हैं वो पतले हो जाते हैं और लॉन्ग हो जाते हैं भाई, ठीक है ना। इसलिए ये मेथड ज्यादा अच्छी नहीं है। क्या स्ट्रिपिंग मेथड के लिए? दूसरा होता है नकलिंग मेथड, अंगूठा विधि। देखो ये जो चार उंगलियां होती है, ये चार उंगलियों से ऐसे को थन को पकड़ना है और अंगूठे को ऐसे मोड़ के ऐसे प्रेस करना है, इसको बोलते हैं अंगूठा विधि। दिखाई दे रहा है? हाँ, सबसे खराब विधि यही मानी जाती है, सबसे बेड मेथड यही होती है। क्योंकि ये अंगूठे की जो बोन होती है, हड्डी जो होती है, इससे गाय का जो थन होता है, गाय के थन के अंदर जो लिंगामेंट्स होते हैं, जो मेम्ब्रेन्स होती है, जो स्नायु होती है, ये डैमेज हो जाती है। ये क्या होती है? डैमेज हो जाती है। ये काफी पेनफुल मेथड होती है और इस मेथड से मिल्किंग करने पर गाय लात भी मारती है, प्रॉपर तरीके से मिल्किंग भी नहीं करेगी और थनों के अंदर गठाने पड़ जाती है, जिसको बोलते हैं फाइब्रोसिस। क्या बोलते हैं? फाइब्रोसिस हो जाता है। इसलिए सबसे बेकार मेथड कौन सी मानी जाती है? नकली मेथड। लेकिन आपने देखा होगा कि ज्यादा से ज्यादा किसान इसी मेथड का यूज करता है, इसी मेथड का यूज करता है। अगली मेथड होती है फुल हैंड मेथड, इसको बोलते हैं फिस्टिंग मेथड, इसको बोलते हैं मुट्ठी विधि। जब आप थंब को ऐसे पूरे मुट्ठी में पकड़ के दबाएंगे, प्रेस करेंगे, इस मेथड को हम क्या कहेंगे? मुट्ठी विधि। या इसको बोलते हैं फुल हैंड, पूरे हाथों का उपयोग होता है। सबसे बेस्ट मेथड यही मानी जाती है, सबसे अच्छी मेथड यही होती है। क्योंकि इस मेथड से जब मिल्किंग दिया जाता है तो गाय को ऐसा लगता है जैसे कोई बछड़ा दूध पी रहा हो, तो गाय इजीली मिल्किंग भी कर देती है। दूसरा जो होता है वो क्लीन मिल्क प्रोडक्शन भी हो जाता है और इस मेथड का गाय के टीथ पर, गाय के अंडर पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो सबसे अच्छी मेथड कौन सी? फुल हैंड मेथड या फेस्टिंग मेथड या इसको हम बोलते हैं मुट्ठी विधि। तो इस प्रकार से ये तीन दूध दोहन की विधियां होती है और तीनों विधियों का उपयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। तीनों मेथड का अपना अपना महत्व है। ऊपर की
सबसे अच्छी विधि मानी जाती है और दोनों नीचे के दोनों मेथड है वो अच्छी विधि नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो स्टिपिंग मेथड जो होती है वो स्टिप मिल्क निकालने के लिए जो होती है या फर्स्ट कॉलिंग एनिमल के लिए या स्मार्टेड एनिमल के लिए जो है वो अच्छी मेथड मानी जाती है, लेकिन उनका साइड इफेक्ट जो है वो गाय के थनों पर होता है, इसलिए ये मेथड अच्छी नहीं है। क्या तीनों प्रकार की मेथड्स क्लियर है? अरे क्लियर है। लेकिन इन विधियों का उपयोग करने से पहले गाय के थनों को अच्छे से स्टरलाइज करना है, अच्छे से धोना है, जहाँ पर दूध निकाल आ जाता है वो जगह जो है वो क्लीनिंग प्रॉपर उसकी होनी चाहिए, वहाँ पर अच्छे से स्टरलाइजर होना चाहिए, ठीक है ना। और दूध निकालने का जो बर्तन होता है उसकी भी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, दूध निकालने वाला जो ग्वाला होता है जो मिल्कर होता है ठीक है ना, उसमें एप्रन पहनना चाहिए, हाथों को अच्छे से स्टरलाइज करना चाहिए, मुंह पर मास्क बांधना चाहिए और टोपी भी लगानी चाहिए। ऐसा नहीं कि दूध निकालते निकालते छींक रहा है, खांस रहा है, नाक साफ कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा करेगा तो क्लीन मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि मिल्किंग मेथड का सबसे मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्लीन मिल्क प्रोडक्शन, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो आज के लिए इतना। जय हिंद।